हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेडएक्स में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जरोदा पर हम नॉमिनी को कैसे ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, नॉमिनी को ऐड करने के लिए हम अपने जरोदा के अकाउंट पर आएंगे। अकाउंट पर आने के बाद यहां पर आपको राइट में दिखेगा आपकी यूजर आईडी, हम यूजर आईडी पे क्लिक करेंगे। यूजर आईडी पे क्लिक करने के बाद यहां पर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा कंसोल का। यहां पर आपके लिए ऑप्शन दिखेगा पोर्टफोलियो का, ट्रेड बुक का, PNL का। आप किसी पर भी क्लिक करोगे, ये आपके लिए लेके जाएगा console.jaroda.com पर। तो हम किसी पर भी क्लिक कर सकते हैं, पोर्टफोलियो पर, ट्रेड बुक के, PNL पर। तो हम यहां पर पोर्टफोलियो पे क्लिक करते हैं। पोर्टफोलियो पे क्लिक करेंगे तो हमारे लिए लेके जाएगा console.jaroda.com पर। आप यहां से देख सकते हैं ऊपर। अब यहां के बाद हमारे लिए क्लिक करना है इन 3 lines पे। हम इन 3 lines पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे लिए यहां पर आपको ऑप्शन दिखेगा माई अकाउंट का। हम माई अकाउंट पे क्लिक करेंगे। माई अकाउंट पे क्लिक करने के बाद यहां पर आपके सी एक एरो दिखाई देगा व्यू ऑल कैटेगरी का। हम इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपके लिए यहां पर दिखेगा नॉमिनी का। आपके लिए सबसे पहले दिखेगा पर्सनल, उसके नीचे आता है नॉमिनी। तो हम इस नॉमिनी वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम नॉमिनी पे क्लिक करेंगे, अब आप यहां से देख सकते हो यू हैवंट एडेड एनी नॉमिनी टू योर अकाउंट, यानी कि आपने अभी तक अपने अकाउंट में कोई भी नॉमिनी को ऐड नहीं किया है। और अगर आपके लिए नॉमिनी ऐड करना है तो यहाँ पर दिया हुआ है ऐड नॉमिनी, तो आप यहाँ से नॉमिनी को ऐड कर सकते हो। अब हम सबसे पहले समझते हैं कि ये नॉमिनी होता क्या है। अगर दोस्तों आपके अकाउंट में होल्डिंग पड़ी हुई, यानी जरोदा के अकाउंट में आपने किसी स्टॉक्स को बाय कर लिया है, जितने भी रुपए के आपने स्टॉक्स को बाय किया हो, आपकी होल्डिंग पड़ी है और आप अपने अकाउंट पर 1 या 2 साल से अपने अकाउंट पर नहीं आए हो, आपने रीकेवाईसी नहीं किया है, तो आपने अपने अकाउंट में जो नॉमिनी ऐड कर रखे होंगे, जरोदा आपके उन नॉमिनी से कॉन्टैक्ट करेगा और आपने जितना परसेंटेज शेयर आप अपने अकाउंट में एक नॉमिनी को ऐड कर सकते हो, 2 नॉमिनी को ऐड कर सकते हो। अगर आपने 1 किया है तो आपके 100% शेयर आपके नॉमिनी को प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, और अगर आपने 2 किया है तो आप वहाँ पर परसेंटेज डाल सकते हो कि आपने 10% एक नॉमिनी को देना है और 90% दूसरे नॉमिनी को देना है या 80% देना है। जितना परसेंट आप वहाँ पर शेयर डिवाइड कर दोगे, उतने परसेंट वो दोनों नॉमिनी को प्रोवाइड करा देगा यहाँ पर। यानी कि अगर आप अपने अकाउंट पर नहीं आते हो या अगर आपकी फॉर एग्जाम्पल अगर डेथ वगैरह हो जाती है, तो फिर जो जरोदा है वो आपके नॉमिनी से कॉन्टैक्ट करेगा और आपके वहाँ पर वो शेयर उनको प्रोवाइड कर देगा। तो हम देखते हैं कि नॉमिनी को हम कैसे ऐड कर सकते हैं और हमारे लिए क्या क्या उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करानी होगी। हम ऐड नॉमिनी पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ से देख सकते हो यहाँ पर आ रहा है नॉमिनी फर्स्ट, यानी हम पहला नॉमिनी ऐड कर रहे हैं। हम दूसरा नॉमिनी ऐड कर सकते हैं, हम तीसरा नॉमिनी ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले डालना होता है हमारे लिए अपने नॉमिनी का फर्स्ट नेम यहाँ पर डालना है, सेकंड नेम, उसकी ईमेल आईडी, यानी जो भी जिसकी भी हम यहाँ पर नाम वगैरह डाल रहे हैं उसकी हमारे लिए यहाँ पर ईमेल आईडी डालनी होती है, और हमारे डालना उनका मोबाइल नंबर, ताकि जरोदा कॉन्टैक्ट करना चाहे तो ईमेल आईडी के थ्रू या मोबाइल नंबर के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सके। यहाँ पर डालनी होती है उसकी डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ के बाद यहाँ पर डालना होता है हमारे लिए उसका एड्रेस, जिसका भी जो एड्रेस होगा, जिसका हम यहाँ पर डिटेल ला रहे हैं, उसका हमारे एड्रेस डालना है, स्ट्रीट, एरिया, विलेज डालना है, पिन कोड। अब पिन कोड जो भी पिन कोड उनका होगा, जैसे ही आप पिन कोड डालोगे तो सिटी, स्टेट और कंट्री यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर डालूँ, अपन डाल के बताता हूँ आपके लिए 474001। आप यहाँ पर देखोगे यहाँ पर सिटी भी आ गया और स्टेट भी यहाँ पर ऑटोमेटिक फेच हो गया। सिटी आ गई और स्टेट भी यहाँ पर फेच हो चुका है, कंट्री यहाँ पर इंडिया है। अब आपके लिए यहाँ पर डालना होता है द नॉमिनी इज माई, आपका स्पाउस है, सन है, डॉटर है, फादर है, मदर है, सिस्टर, यानी आपका जो आप यहाँ पर इसकी डिटेल डाल रहे हो, आपका उससे रिलेशन क्या है, आपका वो पिता है, आपका बेटा है, या आपकी मदर है, आपकी डॉटर है, जो भी आपका रिलेशन हो उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको डालना होता है परसेंटेज ऑफ शेयर। मैंने भी आपसे बताया था कि अगर आप 2 नॉमिनी ऐड करना चाहते हो, तो अगर आप एक नॉमिनी को 50% शेयर देना चाहते हो और दूसरे को 50% देना चाहते हो, तो आप 50-50 कर सकते हो। एक को 40 देना चाहते हो, दूसरे को 60 देना चाहते हो, या एक को 10% शेयर देना चाहते हो, यानी जितने आपने शेयर परचेज कर रखे उसका 10% अगर आप इनको देना चाहते हो और 90% दूसरे को देना चाहते हो, तो आप यहाँ से परसेंटेज ऑफ शेयर डाल सकते हो। जैसे हम यहाँ पर 40 कर देते हैं, और जो हम दूसरा करेंगे उसके लिए हम 50-60 कर सकते हैं, 40 कर दिया। अब यहाँ पर हमारी डालनी होती है नॉमिनी प्रूफ टू आइडेंटिटी, यानी उसके हमारे लिए प्रूफ देना होता है आइडेंटिटी का। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो आपकी गूगल फाइल होगी या आपके एल्बम में अगर आप कोई डला हो तो वहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकते हो। अब प्रूफ के रूप में आप क्या क्या दे सकते हो, पासपोर्ट दे सकते हो, उसका पैन कार्ड दे सकते हो, आधार कार्ड दे सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो, वोटर आईडी, बर्थ सर्टिफिकेट। अब इनमें से आप किसी को भी यहाँ पर आइडेंटिटी के तौर पर यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। यहाँ पर डालना होता है फाइल पासवर्ड, यानी जब हम फाइल को अपलोड करते हैं तो किसी फाइल क्या है, पासवर्ड सिक्योरिटी होती है, यानी कि वो फाइल होती है वो पासवर्ड के साथ सिक्योर होती है। तो हमारे लिए अगर फाइल सिक्योर है तो उसका फाइल यहाँ पासवर्ड यहाँ पर डालना है, और अगर फाइल आपकी सिक्योर नहीं है तो आपको इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो। उसके बाद हमारा आता है यहाँ पर, आप यहाँ पर देखोगे
यहाँ पर कंटिन्यू का बटन दिखेगा, हम इस कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो 24 आवर के अंदर हमारा यहाँ पर नॉमिनी ऐड हो जाएगा। उसके बाद हम चेक कर सकते हैं यहीं पर आने के बाद कि हमारा नॉमिनी ऐड हुआ है या नहीं। मैंने और अगर आपके लिए दूसरा नॉमिनी भी ऐड करना है, एक तो हमने पूरा डिटेल यहाँ पर एक की फिल कर दी, और अगर आपके लिए दूसरा नॉमिनी ऐड करना है तो हम ऐड नॉमिनी पे क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ से देख सकते हो ऐड नॉमिनी हमारा यहाँ पर है। आप यहाँ पर देखोगे ऐड नॉमिनी फर्स्ट हमने 40% शेयर उसको दिए थे, और नॉमिनी टू अब यहाँ पर हम 60% दे सकते हैं। और अगर आप नॉमिनी थ्री करोगे तो आप इसको 10% कर सकते हो, तो यहाँ पर होगा ये 40 के 10 के, और तीसरे वाले को 50% दे सकते हो। और अगर आपके लिए चार करना है तो उसके हिसाब से आप डिवाइड कर सकते हो कितने कितने परसेंट आपके लिए अपने जो रिलेशन के हैं उनके लिए आपको प्रोवाइड कराना है। अगर आप अपने अकाउंट को ओपन नहीं करते हो तो ऑटोमेटिक जरूरत उनसे कॉन्टैक्ट करेगा और आपके परसेंटेज ऑफ शेयर उनको प्रोवाइड करा देगा। दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पर आने के बाद नॉमिनी को ऐड कर सकते हो, और नॉमिनी को कैसे ऐड कर सकते हो ये बेसिक डिटेल है आपके लिए यहाँ पर डालनी होती है। इसको डालने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करोगे और आपका यहाँ पर नॉमिनी ऐड हो जाएगा 24 आवर के अंदर, अगर यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके सारे जो डॉक्यूमेंट वगैरह नाम वगैरह और आपने जो फाइल चूज किए आइडेंटिटी प्रूफ सब मैच कर जाएगा तो आपका यहाँ पर नॉमिनी ऐड हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद फिर आप चेक कर सकते हो। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।